दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके पास एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हरी भरी धरती के पूरे भूभाग को रहने योग्य बनाने के लिए लोग प्रतिसंकल्प हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इंसानों से बेहतर जीवित प्राणी मौजूद हो तो मंगल उनका पसंदीदा आवास होगा। पर आवास तभी मिल सकता है जब पृथ्वी के पड़ोसी ग्रहों पर जल पाया जाए। इस शोध पर काम करते हुए वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक और फॉर्मूला निकाला है। यह और भी आश्चर्यजनक है। कहा जा रहा है कि उन्होंने पानी से भरे लाल ग्रह के अचानक सूखने के पीछे एक और कारण ढूंढ लिया है। क्या मंगल बिल्कुल रहने योग्य है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए नासा का अंतरिक्ष यान मंगल की सतह पर घूम रहा है। रोवर परसिवेरियंस का हाईटेक लेंस और इसके साथ आने वाली छोटी प्रयोगशाला मंगल ग्रह पर मृदा परीक्षण कर रही है। नासा का अंतरिक्ष यान लाल ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्र भूमध्य रेखीय जलवायु की जांच कर रहा है। जिज्ञासा ने खींची नजर, मंगल पर मौजूद थी नदी, लेकिन बहुत पहले ये सूख गया। अब नदी खा रही है और यहाँ सवाल है, नदी कैसे सूख गई? इस सवाल का जवाब पाने के लिए नासा का अंतरिक्ष यान लगातार काम कर रहा है। शुरुआती शोध में वैज्ञानिकों को लगा कि विस्फोट से पैदा हुई भीषण गर्मी के कारण नदी सूख गई है। इस बार वैज्ञानिक नदी के सूखने के पीछे एक और थ्योरी खोज रहे हैं। मंगल के आकाश में बहुत पतले बर्फीले बादल बने, बहुत सारी ग्रीनहाउस गैस थी। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से लाल ग्रह का पानी सूख गया है। शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एडविन काइट कहते हैं, मंगल के बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन हम में से कोई नहीं जानता कि इस ग्रह की जलवायु में इतना बदलाव कैसे आया। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि यहाँ रहने योग्य वातावरण में आमूलचूल परिवर्तन आया है। ये भाप बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करता है। ये नदी को सुखाने के लिए काफी है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।